सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में पर लीटर 2.5 रुपये की कमी की है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए आभारी हैं। इससे काफ़ी राहत आम जन को मिलेगी। आज हर व्यक्ति जानता है कि डीजल पेट्रोल के जो वर्तमान दाम हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के कारण इसका सीधा प्रभाव भारत के बाजार पर और भारत के अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से ये मांग हो रही थी कि डीजल पेट्रोल के दाम में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने और उसको कमी लाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार ने आज ये निर्णय लिया है जिसमें पेट्रोल पर लीटर 2.5 रुपये और डीजल को भी 2.5 रुपये की कमी भारत सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, स्वाभाविक रूप से खपत उत्तर प्रदेश के अंदर भी ज़्यादा होती है और उत्तर प्रदेश की इस खपत को देखते हुए यद्यपि उत्तर प्रदेश ने भी विगत कई वर्षों से इसके दाम पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन आम जन की परेशानी को देखते हुए और भारत सरकार ने पर लीटर 2.5 रुपये की कमी की है। यद्यपि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां पेट्रोल और डीजल के दाम देश के एक दो राज्यों को छोड़ दें तो शेष अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहां काफी उन राज्यों से कम है, लेकिन उस सब के बावजूद आम जन की को राहत देते हुए यह आवश्यक है कि आज के दिन पर भारत सरकार के द्वारा दी गई रियायत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश जनता उत्तर प्रदेश की जनता को भी इसमें राहत मिले। इसके लिए हम लोग भी डीजल और पेट्रोल में दोनों के दाम में 2.5 रुपये की कमी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करने की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही साथ यद्यपि इसका हमारे रेवेन्यू पर असर पड़ने वाला है, हमें इसके माध्यम से सीधे सीधे 4,000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार को होगा, लेकिन जनता के हित में अगर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हुए भी अगर हमें कार्य करना पड़े, हम एक बेहतर भविष्य के लिए बेहतर प्रयास करेंगे रेवेन्यू के अन्य स्रोतों के माध्यम से उसको जनरेट करने की दिशा में हम कार्य करेंगे, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए भारत सरकार ने आज जो कार्य किया है एक सराहनीय पहल है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और उन्हीं के उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार भी डीजल और पेट्रोल में 2.5 रुपये की कटौती करेगी। इससे उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल के दाम 78.21 रुपये और डीजल का दाम 70.44 रुपये हो जाएगा। जो वर्तमान में दर उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल का है वो 83.21 रुपये है और डीजल 75.44 रुपये है। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ की जनता को डीजल और पेट्रोल में 5-5 रुपये की भारी राहत इससे मिले।